जी नाजरीन, यह है क्रीम ब्लॉक की सबसे मशहूर बिरयानी। इसका नाम है मास्टर बिरयानी। इनकी बिरयानी इतनी टेस्टी होती है कि लोग खींचे आते हैं इनकी बिरयानी की खुशबू सुन के। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त मास्टर बिरयानी पे, तो वीडियो को लास्ट तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी फूड रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हारून। दोस्तों, लाहौर के अंदर बिरयानी ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ासकर कराची बिरयानी। तो दोस्तों, लाहौर के अंदर आप लोगों को पुलाव मिल जाएगा, बीफ पुलाव मिल जाएगा, चिकन पुलाव मिल जाएगा, लेकिन बिरयानी ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है। दोस्तों, आप लोगों को किसी की टेंशन है, मैं हूं आपका होस्ट, तो मैं आप लोगों को आज लेके आया हूं क्रीम ब्लॉक के अंदर मास्टर बिरयानी के पास। इनकी बिरयानी इतनी लजीज है और बहुत टेस्टी है, और आज जो है हम आपको इनकी बिरयानी का जायका चेक करवाएंगे, बिल्कुल जैसे कराची बिरयानी होती है। इनके ओनर से बात करवाएंगे, बिरयानी की प्राइसेस बताएंगे, लोकेशन दिखाए देंगे कि किस जगह पे मौजूद है, ताकि आप भी आके यहाँ पर खा सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं, आपको बिरयानी दिखाते हैं, और खासकर बिरयानी के साथ साथ पुलाव भी मौजूद है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, इधर आए, आपको बिरयानी विद बीफ पुलाव भी आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं, प्राइसेस पूछते हैं और पूछते हैं बिरयानी के अलावा क्या क्या है, और बिरयानी चेक करती हैं कि बिरयानी इनकी कितनी टेस्टी है। तो चल, हमारे साथ मास्टर बिरयानी क्रीम ब्लॉक के ओनर मौजूद हैं मोहम्मद यासिर। इनसे बात करते हैं कि इतनी मशहूर बिरयानी और इतनी टेस्टी बिरयानी, बाकी जो बिरयानी वाली शॉप होती है वहाँ बिरयानी कम और पुलाव ज्यादा मिलता है। चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताएं, ये आपने ब्रांच कब से शुरू की हुई है? हमारी जो क्रीम ब्लॉक की ब्रांच है, इसको कोई 3 साल हो गए। कितने? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और बहुत जल्दी हमने बहुत ज्यादा रश कैप्चर किया है, और बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और हमारी चूँकि ये बिरयानी सिंधी बिरयानी है, तो अक्सर लोग आते हैं वापस कराची से जो लाहौर आते हैं, वो मैं बताते हैं कि हम जब भी लाहौर आते हैं तो आपके पास हम बिरयानी खाने जरूर आते हैं। तो सर, बिरयानी के अलावा क्या क्या है हमारे पास? बिरयानी है, चिकन पुलाव है, और बीफ पुलाव है। ये हमारी स्पेशलिटी है। बिरयानी बीफ में नहीं है? नहीं, बिरयानी बीफ में हम लोग नहीं बनाते। तो बिरयानी की जो प्राइसेस बता दें आप। हमारी बिरयानी 200 रुपीज की है, और जो हमारी डबल प्लेट है वो 340 की है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब से आप लोग इस बिरयानी में क्या क्या डालते हैं कि लोग जो है खिंचे आते हैं इसकी तरफ? ये एक हमारी स्पेशल रेसिपी है जो उसको टेस्ट को डेवलप करती है, और उसमें फ्रेशनेस आती है, और एक खास स्पाइसेस आप इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से एक हमारे अपना एक फार्मूला है। एक दिन के अंदर कितनी देगी सेल हो जाती है? हमारी बहुत ज़्यादा देगी सेल हो जाती है, बट इट्स अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, लेकिन हमारी बिरयानी की काउंटर सेल, होम डिलीवरी और टेक अवे और देगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप जो देगे हैं वो ऑर्डर पे भी बनाते हैं? जी, हमारे पास मोस्टली देगे ऑर्डर पे ही बनती हैं। जी नाजरीन, इनसे बात की हमने, इनसे सवालात पूछे। आप लोग चाहें तो आप लोग जो है शादी वगैरह या ऐसी कोई तकरीब के लिए इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी हम भी इनके दे के पास चलते हैं, देखते हैं, बड़ी टक टक की आवाजें आ रही हैं, वहां से बिरयानी ट्राई करते हैं और बैठ के सुकून से खा के आपको रिव्यू देते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप यहाँ पर बिरयानी दे रहे हैं? अच्छा, 200 वाली हमें प्लेट लगा के दें। बिरयानी प्लेट पे बंद करा जाओ। हम लोगों ने अपनी बिरयानी ऑर्डर कर ली है 200 वाली,
हम आपको क्वांटिटी बताएंगे कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर, और हम लोग जायका भी बताएंगे। मैं सेकंड मरतबा आ रहा हूँ, पहले मरतबा आया था जायका भूल गया, 3 साल पहले आया था। अब जो है मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ, अब मैं नए तरीके नए सिले से आ रहा हूँ, और अब मैं नए सिले से इसका जायका चखूंगा। तो बिरयानी आने का इंतजार करते हैं। माशाल्लाह बिरयानी आ चुकी है। ये एक प्लेटर है, डिश कह लें। इसके अंदर सबसे पहले साइलट है, ठीक है, रायता है और बिरयानी है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा। तो स्पून जो इधर पड़े हुए हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे रायते के बगैर। अब रायते के साथ सब आलू भी लगाएंगे। बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मजेदार। मैं तकरीबन आज से 2.5 साल पहले कराची गया था, मैंने कराची में वहां की एक बिरयानी थी वो खाई थी, तो शेख बिरयानी के नाम की, तो बिल्कुल वही याद आ गया है। हालांकि है सिंधी बिरयानी, लेकिन वही दिमाग में जायका याद आ गया है। तो अभी हम बिरयानी को फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे और फुल रिव्यू देंगे। नाज़रीन हम लोगों ने बिरयानी खा ली, अब मैं आपको फाइनल इसका रिव्यू देता हूँ। क्वांटिटी की बात की जाए तो नॉर्मल है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, मतलब कि एक बंदा जो है पेट भर के खाना खा पाएगा, 200 के अंदर दो बंदे नहीं खा सकते। रायता था, साथ सलाद था, और रायता सलाद और बिरयानी इसका जायका फुल टेस्टी एक होता है ना, मतलब कि इनफ से ज़्यादा टेस्टी था इसका जायका। तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करंट लोकेशन यहाँ पर आएँ, बिरयानी खाएँ और फैमिली को भी लेके आएँ। फैमिली हॉल भी मौजूद है, एसी लगा हुआ है अंदर, तो फुल चिल माहौल है, आके बैठें। तो इसी के साथ अब अपने होस्ट मोहम्मद हारून को दीजिए इजाज़त। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तानी फूड रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हारून को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद मामून के साथ पाकिस्तानी फूड रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स, अल्लाह हाफिज़। बर्क है बैग।